हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिफास कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा दिवाली स्पेशल वीडियो है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के लड्डू। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप सूजी ले लिया है। इसको मैंने छलनी से साफ़ कर लिया है। ये मेरी बहुत बारीक नहीं, मीडियम सूजी है। ये मैंने ले लिया है 1 कप दूध। इसको मैंने हल्का कुनकुना कर लिया है दूध को। और अब हम इसमें सूजी में दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान रेसिपी है सूजी के लड्डू की। जो अगर बिगनर्स हैं कुकिंग के, जिन्हें कुकिंग ज़्यादा नहीं आती, वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं लड्डू। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएं और मिक्स करते जाएं। ये मैंने लगभग पूरा 1 कप दूध इसमें ऐड कर चुकी हूँ मैं। अब मैं इसमें 1/4 कप दूध और ऐड करूँगी। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमारा दूध जो है हल्का गर्म रहे, ठंडा दूध नहीं यूज़ करना है हमको। तो देखिए, मैंने 1/4 कप दूध इसमें और ऐड कर लिया है। इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सूजी जब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे तो ये फूलती है सूजी थोड़ी देर में। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ढक देंगे और आधे घंटे के लिए रख देंगे। देखिए, अच्छी तरह से मिक्स हो गई है ये। अब मैं इसको ढक दूंगी और आधे घंटे के लिए रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी आधा घंटा हो गया है। अब हम देखते हैं कि सूजी के क्या हाल हैं। तो सूजी हमारी बहुत अच्छे से एक डो के शेप में बन चुकी है, ये फूल गई है। तो अब हम इसकी थोड़ा सा हाथों में ऑयल ग्रीस कर लेंगे। घी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम इसकी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे। देखिए, इस शेप की हमने छोटी छोटी टिक्कियाँ बनानी है। बहुत ही आसान है इसको बनाना फ्रेंड्स। ना बहुत मोटी टिक्कियाँ बनानी है हमको, ना पतली, मीडियम मीडियम हमको टिक्कियाँ बनानी है। देखिए, इस तरह से बन गई है। बस इसी तरह से मैं पूरे सूजी के मिक्सचर की टिक्कियाँ बना ली है मैंने। अब मैं इसको, इन टिक्कियों को फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के लिए मैंने ले लिया है 1 नॉनस्टिक तवा। इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच घी। 2 चम्मच घी डालने के बाद मैं इसमें एक एक करके सारी टिक्कियाँ डाल दूंगी फ्राई होने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास नॉनस्टिक तवा नहीं है तो आप सिंपल तवे पे भी इसको फ्राई कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी चिपकती नहीं है, बहुत ही मज़े से फ्राई हो जाती है। तो मैंने एक बार में मेरी सारी टिक्कियाँ इसमें आ जाएगी, क्योंकि मेरे तवे का साइज़ बड़ा है। अगर आपका तवे का साइज़ छोटा है तो आप 2 बार में अपनी टिक्कियों को फ्राई कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे, मैं एक एक करके टिक्के को फ्लिप करती जा रही हूँ, क्योंकि एक साइड से हल्का हल्का ब्राउन हो चुके हैं। अब दूसरी साइड से हम इसको फ्राई करेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। बस हम इसको लो फ्लेम पे फ्राई करते जाएं, टर्न करते जाएं। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही कम घी में ये बनके तैयार होते हैं लड्डू। तो आप अगर हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है आपकी दिवाली की मिठाई की, जो आप घर पे ही इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो देखिए, मेरे जो सूजी की टिक्कियाँ थी वो फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने निकाल लिया इसको एक प्लेट में। अब मैं इसको अपने हाथों से तोड़ लूँगी छोटा छोटा, जिससे कि ये जल्दी ठंडी हो जाए। क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी फिर हमें इसको पीसना है, इसको हमें दानेदार पीसना है। तो जल्दी ठंडी हो जाने के लिए मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है इस तरह से। अब मैं जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं इसको पीस लूँगी। तब तक मैं
अपने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने ले लिया एक फ्राई पैन, उसमें मैंने 2 चम्मच घी ऐड कर लिया है और ये ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं मैंने, ये बादाम और काजू, इन दोनों को मैं डाल रही हूँ फ्राई होने के लिए। इनको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। आपको और ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं तो आप और भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए, जो सूजी का टिकिया थी वो ठंडी हो गई थी और मैंने उनको पीस लिया था। फ्रेंड्स, हमको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ठंडी भी ना रहे, हल्का गर्म में ही हमको पीस लेना है तो अच्छे से पिस जाएंगी। तो ये दानेदार पिस गई है और मैंने इसमें 1 कप शुगर ऐड कर लिया है और सारी चीज़ें मैं एक एक करके ऐड करती जा रही हूँ। इसमें मैंने किशमिश और इलायची का पाउडर भी ऐड कर लिया है और इसमें जो मैंने अभी ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हैं, बादाम और काजू, वो भी मैं इसमें ऐड करती जाती हूँ। इनको सब चीज़ों को ऐड करके हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब बस हम इनको हाथों से मिक्स करते जाएंगे और लड्डू बनाएंगे। देखिए, इस तरह से लड्डू का शेप बनता जा रहा है। बन गए हैं हमारे लड्डू, ये देखिए। जिस तरह मैंने ये लड्डू बनाया उसी तरह से मैं दूसरे लड्डू भी बना लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने सूजी के मिक्सचर में कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना घी ना दूध, ये बहुत ही आसानी से अपने आप बनते जा रहे हैं। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही ना के बराबर इसमें घी यूज़ हुआ है और इस तरह से हमारी दिवाली की बेहतरीन मिठाई बन के तैयार हो जाएंगी। ये देख लीजिए, बहुत अच्छे लड्डू, बहुत ही टेस्टी भी हैं ये लड्डू और दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपनी दिवाली को बहुत ही स्पेशल बना लीजिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।